day 4 na day 5 day 4 गाइस तो हम लोग आ चुके हैं पैंगोंग लेक। ये लेक 13,862 फीट ऊपर है और अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये शूटिंग पॉइंट है जहाँ पे आमिर खान ने शूट किया था। ये लेक की खासियत ये है कि आप जैसे हाइट पे जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो अभी मैं जा रहा हूँ वो भी शूटिंग पॉइंट ही है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बर्ड्स, फ्लावर्स, फिशेस, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स दिखेंगे आपको। मैंने मेरी वीडियो में डाला है आगे। इसका फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक है उसका आधा हिस्सा चाइना में है, उसका 40% हिस्सा जो है वो इंडिया में रहता है और बाकी का जो 10% है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे तो आपको वैसे फोटो शूट करने में भी मज़ा आएगा, बट यहाँ पे जो टेंट का एक्सपीरियंस है आपको मैं सजेस्ट करूँगा लेना ही चाहिए क्योंकि उसका एक अलग ही मज़ा है। तो अब हम लोग नुब्रा वैली के लिए निकल चुके हैं। नुब्रा वैली पैंगोंग लेक से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वैली जो है वो 10,000 फीट ही ऊंचा है। ले से थोड़ा नीचा है मतलब हाइट में, क्योंकि ले जो है वो 11,000 फीट में और नुब्रा वैली जो है 10,000 फीट पे। तो ये जो नुब्रा वैली है वहाँ पे भी बहुत सारी जगह घूमने जैसे। लोग यहाँ पे रुके हैं फोटो शूट के लिए, देख सकते हैं आप सीनरी। ओके जैसे कि दीक्षित मोनेस्ट्री जो बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है वहाँ की, फिर यहाँ पे कैमल सफारी है, सैंड ड्यून्स है और बहुत सारी चीज़ें। तो आप अगर अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो तो आपको नुब्रा वैली में बहुत मज़ा आ जाएगा। हमारे होटल द ड्यून्स जो अभी अभी मतलब अभी नई ही बनी है, हुंडर में है, ये नुब्रा से थोड़ा ही दूर है, मतलब नुब्रा के अंदर ही है हुंडर करके एक जगह वहाँ पे है। अभी इस होटल को बने से 1 महीना हुआ है और यहाँ की सर्विस, यहाँ का फूड, यहाँ का रहना बहुत ही अच्छा है। आगे आप मेरे वीडियो में देखें। गाइस अभी जो ये व्यू मैं दिखा रहा आपको ये मेरे बालकनी का व्यू है मेरे रूम से, आप एंजॉय करें ये व्यू।
कि मैंने पहले ही बोला, खाने में इन लोगों ने कम से कम 4 से 5 टाइप के सलाड, एक सूप, स्टीम राइस, दाल तड़का, मिक्स वेजिटेबल, पालक की सब्जी और एक नॉन वेजिटेरियन आइटम भी था, चिकन बेस्ड, और लास्ट में कस्टर्ड।